कोर्ट ने एक महिला को 5 साल की सजा सुनाई क्योंकि उसने अपने पति पर झूठा आरोप लगाया था। घटना है चेन्नई की। 6 साल पहले यानी कि 2018 को एक 39 साल की महिला ने अपने पति पर ये आरोप लगाया कि उसने उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती की, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई, वो भी सिर्फ 14 साल की उम्र में। और अपने एलिगेशन को प्रूव करने के लिए महिला ने अपने बेटी के कुछ मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स और साथ ही डॉक्टर का स्टेटमेंट एज एविडेंस कोर्ट में पेश किया। उसके बाद उसके पति ने मद्रास हाईकोर्ट में बेल और इस केस को डिसमिस करने की अपील की। केस की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जो एविडेंसेस महिला ने कोर्ट में पेश किए थे वो सब फैब्रिकेटेड थे, यानी कि झूठे थे। इनफैक्ट जो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट महिला ने पेश किया था अपनी बेटी का, वो भी झूठे थे और उसी लैब से बनवाए गए थे जहाँ पे ये महिला एज ए लैब असिस्टेंट काम कर रही थी। इतना ही नहीं, उनकी बेटी का इन कैमरा कोर्ट प्रोसीडिंग में स्टेटमेंट भी लिया गया जहाँ पे उनकी बेटी ने भी यही कहा कि उसकी माँ ने जो एविडेंसेस कोर्ट में पेश किए थे वो सब झूठे थे। अब फाइनली 6 साल बाद 6 फरवरी 2024 को चेन्नई के एक पॉक्सो कोर्ट ने महिला को 5 साल के जेल की सजा सुनाई और साथ ही 6,000 रुपए फाइन भरने को कहा। कितनी शर्मनाक घटना है, जहां एक मां ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी ही 14 साल की बेटी का फायदा उठाया। अब इस घटना से उनकी बेटी पर क्या बीती होगी, उसने क्या सीखा होगा जब उसने अपने पिता को कटघरे में खड़ा देखा, जब उसने ये देखा कि उसकी मां ने उसके पिता से बदला लेने के लिए झूठे एविडेंसेस कोर्ट में पेश किए। क्या इसी को हम वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं? इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड फॉलो फॉर्म इन इंडिया फॉर मोर सच स्टोरीज।